अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। देखिए मैं आज आपको लेकर आया हूँ द पिज़्ज़ा हब रेस्टोरेंट में, और मैं आज आपको यहाँ की एक चीज़ कुछ भी खा करके उसका टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि वो कैसी है। तो गाइस देखिए हम रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके हैं, अब देखिए हम सीधा काउंटर पर चलते हैं, ऐसे कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं। तो गाइस देखिए मैं आपको इनकी डेकोरेशन दिखा देता हूँ जो भी है। तो गाइस देखिए ये इनका मेन्यू है, इन्होंने मतलब सीट मतलब इनके टेबल पे मेन्यू नहीं रहता, आपको इनके काउंटर बॉक्स पे ही जाके ऑर्डर करना पड़ता है। तो गाइस ये देखिए हम यहाँ से बर्गर सेलेक्ट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ काफ़ी सारे बर्गर हैं, ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे, पिज़्ज़ा के ऑप्शन हैं, मतलब काफ़ी सारी इनके पास चीज़ें, नूडल्स वगैरह हर चीज़ है, मतलब जो रेस्टोरेंट के अंदर होती है। तो फ्रेंड्स फ़िलहाल हम इनसे बात कर रहे हैं, और इनके देखिए मैं आपको इनका पूरा मेन्यू दिखाता हूँ बर्गर का। देखिए गाइज इनके नॉर्मल रेट भी इनके मतलब वही हैं जो नॉर्मल ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जो रेट होते हैं वही रेट है, इनसे ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। तो गाइज देखिए मैंने इनका जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है तंदूरी बर्गर का, तो गाइज मैं इनके दो बर्गर वाले ऑर्डर करता हूँ, जो ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपीज़ के आके। तो गाइज मैंने इनके दो बर्गर ऑर्डर इन्हें दे दिया है तंदूरी बर्गर वाला। तो गाइज ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमसे पहले किसी ने ऑर्डर दे रखा है अपना, तो ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए आप प्लीज़ बैठ जाइए, मैं जैसे ही ऑर्डर आएगा आपको बता दूंगा। तो गाइज देखिए मैं इसके आपको चारों तरफ की डेकोरेशन दिखा देता हूँ कैसा है। और देखिए गाइज यहाँ मेरे यहाँ पर मुझे एक बच्चा मिला था जो कि अपनी पोएम में इस टाइम इतना मगन था कि उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ हो या ना हो, वो इतना मगन था अपने फ़ोन पर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज ये देखिए कितनी मगन से सुन रहा है, इतने ध्यान से कासे पढ़ लेता। तो फ्रेंड हमारा ऑर्डर जो है देखो आ चुका है, हमारा ऑर्डर उन्होंने हमें आवाज़ दे दी है, और देखिए मैं अपना ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हो चुका हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं अपने दोनों बर्गर लेकर आता हूँ जल्दी से, और आपको फिर इनका दिखाता हूँ अंदर से क्या क्या है इसमें, इन्होंने क्या क्या लगा के दिया है और कैसा बर्गर है, टेस्ट करके फिर आपको मैं बताऊँगा इसे। तो भाई बाहर से तो काफ़ी अच्छा लग रहा था बर्गर, लेकिन अंदर से ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल है, सिर्फ एक प्याज टमाटर और एक आलू की टिक्की लगाई है इन्होंने। तो बाकी नाम जो है इसका तंदूरी बर्गर है, ये मुझे पता नहीं कि इसका तंदूरी बर्गर क्यों है, क्योंकि ऐसा कुछ वो है नहीं। लेकिन चलो भाई मैं इसको टेस्ट करके और आपको बता देता हूँ एक बार कि कैसा है। ये देखिए इनके साथ इन्होंने एक केचप दिया है हमें सिंपल, और जो भी है इसके अंदर भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल बर्गर है, बल्कि सिंपल आलू की टिक्की है बस, नहीं कुछ कॉर्न वगैरह कुछ भी नहीं था इसके अंदर। तो देखिए मैं इसके अंदर अपने केचप डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया हो इतनी जल्दी जल्दी, और आगे भी इसे शेयर कर दो इतने में। देखो आपको पूरा बर्गर खा के दिखाता हूँ, फिर आपको बताऊँगा इसका टेस्ट कैसा है, आपको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये इसकी प्राइस के हिसाब से बर्गर कैसा है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं जल्दी से इसको टेस्ट करके बताता हूँ, मैं उससे पहले अपने फ्रेंड से कहता हूँ कि वो इसे टेस्ट कर ले। तो देखिए गाइस मेरे फ्रेंड ने इसे टेस्ट कर लिया है, उसे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उसकी पहली बाइट में, अब देखिए मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ। तो गाइस ये देखिए, देखो मैं इसमें एक और बाइट लेकर फिर आपको सही से टेस्ट कर इसका बताता हूँ कि आपको एक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो गाइस मेरे हिसाब से जितनी इसकी रेंज है उस हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है, मतलब नॉर्मल है, इतना अच्छा नहीं है कि अगर आप कहीं दूर हो और आप इसको खाने के लिए आओ, नॉर्मल ही अगर आपके आसपास ही हो आप इसके तो आप इसे खा लेना, वरना ऐसा कुछ इसमें खास नहीं है कि आप इतनी दूर से इसे खाने आओ, तो इसमें ऐसी कुछ भी चीज़ है नहीं। तो गाइस देखिए मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेता हूँ। तो गाइस मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगा नहीं, नॉर्मल ही लगा, लेकिन मेरे फ्रेंड को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और देखिए उसने तो अभी तक ख़त्म नहीं करा है, बिल्कुल आराम आराम से खा रहा है, इतना अच्छा लगा है। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट फूड व्लॉग में, इतने जब तक के लिए बाय बाय गाइस वीडियो।